तुम पहली बार कुल देवी की पूजा के लिए जा रही हो तो हम तुम्हारे लिए ये लेके आए। रामू इधर आ, ये गिफ्ट लेके हमारे कमरे में रख। बोलो संतोषी माता की जय। जय। ये लीजिए। माफ करना बहन, मैं बिन बुलाए ही आपके यहाँ की पूजा में शामिल हो गई। वैसे मैं भी संतोषी माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अच्छा, और उनका व्रत भी रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे विधि नहीं पता है। आप चिंता मत कीजिए, संतोषी माँ के व्रत और पूजा से जुड़ी हर बात हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। पता नहीं संतोषी किस हाल में होगी। आज पहली बार बड़ा पार्लर देखने का मौका मिला, मसाज करके तो रिलैक्स हो गए। सच में वैसा ही सुख का दूसरा नाम है। दादी आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं? खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं बेटा, हमारा खाने में बिल्कुल भी मन नहीं है। ना जाने हमारी संतोषी कहाँ होगी। दादी अगर संतोषी दीदी की फिक्र करती रही और कुछ नहीं खाया तो बीमार पड़ जाएंगे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पता नहीं हमारी संतोषी ने खाना भी खाया होगा कि नहीं। दादी आप चिंता मत कीजिए, हम पापा से कहकर संतोषी दीदी का पता लगा लेंगे। सच? हाँ, पर पहले आप खाना खाइए। ठीक है चलो। इस शर्मीली बहू के चक्कर में ये बुढ़िया को भी गरम गरम खाना खिलाना पड़ेगा। दादी आप हमें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे? ओ, हमारी नेल पॉलिश अभी तक सूखी नहीं। हाँ बेटा क्यों नहीं, आओ। हाय दिया जी। जी आप कहाँ हो? जी जी माधुरी कैसी हो तुम? ये नहीं, तुम तो गहनों की पूरी दुकान लग रही हो। अब वहां जाके तो तुम्हारे रंग ही बदल गए। हाँ अदी चीची, वो तुमने कहावत नहीं सुनी है, और जैसा देश वैसा भेस। हम इतना पहन ओढ़ के नहीं रहेंगे तो हमारे राजा बेटा की नाक ना कट जाएगी। गुड्डू बेटा संतोषी का कुछ पता लगा? नहीं दादी, हम संतोषी का तो कुछ नहीं पता लगा पाए। हाँ पर ये है कि हम अपनी स्वीटी मैडम की वजह से ना धैर्य बाबू के कमरे में जरूर फिट हो गए। हे भगवान, किसी को भी संतोषी की चिंता नहीं है। अम्मा ये संतोषी का पुराण बाद में खोलना। हाँ छुट्टी आई है। छुट्टी अब इतनी रात में कैसे आना हुआ? आ, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी जी, वो कहा है ना कि कल हमको कुल देवी की पूजा करनी है, तो उसके बाद जल्दी सवेरे निकलना है ना हमको, तो इसलिए हम आज रात में ही चले आए। गुड्डू जी आप हमसे पूछेंगे नहीं हम कैसे हैं? एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारी फिक्र क्यों करेगा? वो सिर्फ मेरी फिक्र करता है। संतोषी जी मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, आ रहे हैं। एक काम कीजिए, नाश्ता क्यों नहीं किया? खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते। पहले नाश्ता खत्म कीजिए उसके बाद। अब तुम इतने प्यार से कहोगी तो मैं तुम्हारी बात टाल सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, लेकिन हाँ मैं लेट हो रहा हूँ तो ये मैं रास्ते में खा लूंगा जल्दी आके, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये लीजिए पानी, बाहर का पानी मत पीजिएगा, और ये खाना है खत्म कर लीजिएगा। एक बात बताओ, तुम जो मेरा इतना ख्याल रखोगी मैं पहले से बिगड़ा हूँ और बिगड़ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरी खुश नसीबी है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली जो मेरे इतना ख्याल रखती है। अब मैं लेट हो रहा हूँ, आज पहला दिन ही लेट ही होना चाहता। अच्छा हाँ, रात को अगर मैं लेट आऊँ तो प्लीज
टेंशन मत लेना, मेरा वेट मत करना, खाना खाना और सो जाना। टेंशन नहीं लेंगे लेकिन इंतजार करें, खाना साथ खाएंगे। ठीक है, ये भी सही है। ख्याल रखिएगा अपना। ख्याल से याद आया, ये ख्याल रखने के लिए तो थोड़ा फिलहाल ऑफिस का ख्याल रखिए, देरी हो रही है आपको। चलिए। मेरे प्रिय धर्मपत्नी। हाँ जी। पति हम आपके, यार इतना हक तो दो ना। ऑफिस जाने के बाद। सीरियसली। हाँ जी ठीक। दीदी। नाज़ी। अच्छा क्या? आओ ना। बस देरी हो रही है आपको ऑफिस में। देरी हो रही है। जी जी, बाय बाय। खाना खा लीजिएगा। पराठे खाओगे? नहीं, मैं खा कर आई। गरम है, अच्छे लगेंगे। नहीं खाओ। आती हूँ। आज हमारे इस घर में पहली कुलदेवी की पूजा है। हम तो बिल्कुल सेठानी की तरह तैयार होंगे ताकि सबको पता चले कि हम हैं कौन। अरे बहू जल्दी आओ, पूजा के लिए देर हो रही है। अरे जल्दी आओ बेटा, तुम्हारे बिना पूजा नहीं हो सकती, आ जाओ। हाँ बस दो मिनट। ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? घर की बहू शर्मीली है। हदे अम्मा जी, तुम ना अपना मुंह बंद रखो। और तुमको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं तो तुम काहे बोल रही हो है? छुट्टी गठबंधन अच्छे से करना, कसकर बांधना है ना, इनके आगे के जीवन की खुशहाली के लिए। और तभी तो हमारी पूजा सफल होगी। बेटा तूने जो बोया वही तुझे मिल रहा है। पर कोई बात नहीं बेटा, गुड्डू के साथ नहीं तो तू अकेले ही बैठ के पूजा कर लेना। बेटा तेरी मांग में उसके नाम का सिंदूर है।
अच्छा हुआ बबली जो तुम आ गई, वरना ये सब काम निपटाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता हमें। बैठो ना, पानी पियोगी? ये लो, एक काम करो, तुम यहाँ आराम से बैठो, दोनों के लिए फटाफट चाय बना कर। दीदी दीदी दीदी, मेरी चाय में चीनी ज्यादा। 2 चम्मच डालेंगे, ठीक है? ये देखो, यही है वो। दीदी वैसे तो ये कॉलोनी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कभी कभी ना बहुत बोरिंग हो जाती है। क्यों, आसपास कुछ घूमने के लिए नहीं है? है ना, एक माता रानी का मंदिर है और एक हलवाई है जो बहुत ही अच्छी मिठाई बनाता है, बहुत अच्छी। अच्छा, हाँ तो एक दिन हम दोनों भी चलेंगे खाने के लिए मिठाई। हाँ, हम आपको लेकर चलेंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। अब देखते हैं संतोषी कि तुम्हें कौन बचाता। अम्मा सच बताए, कल हाँ स्वीटी जी के राज में ना गजब ठाट है यार हमारे। गुड्डू भैया, हमें भी ले चले ना एक दिन। अरे हाँ बेटा, तुम्हें भी लेके जाएंगे हैं? थोड़ा सही समय आने दो, तुम भी चलना। हाय दया स्वीटी बहू, आज तो तुम ना एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। अब बताओ, कोनो ज्यादा गहने पहन लेने से कोनो खूबसूरत थोड़े ना हो जाता है। अब सूरत पर वैसी चमक भी तो होनी चाहिए ना, चांद जैसी। बेटा, बहू ना बेटा, इन लोगों की बात पर तू ध्यान मत दे। स्वीटी बहू, हम भी तो तुम्हारी सास हैं, ताया सास हैं। छोटी से पूछो, गुड्डू को तो हमने अपनी गोद में खिलाया है। तो बहू, हमें भी साथ ले चलो। दया जीत जी, हैं हमरी स्वीटी बहू ने कोनो धर्मशाला थोड़े ना खोल रखी है जो तुमको और सारे रिश्तेदारों को साथ लेके जाएंगी। धर्मशाला? छोटी कैसी बातें करती हो, अरे हम कोई दूर के रिश्तेदार हैं क्या? हाँ हाँ, ताई जी हैं। अरे हाँ ताई जी हो, लेकिन फिर भी मॉम रहने दीजिए ना। आप तो जानती है हमारा कितना बड़ा घर है, सब एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए हमारे साथ। हाँ, सच भगवान किसी की नजर ना लगे तुम्हें बहू। अब तो फिर तय रहा है, हम भी जा ही रहे, चल रहे तुम लोगों के साथ। अब ऐसा है ना, अब आज शाम को पार्टी करेंगे और पार्टी हमारी तरफ से। छुट्टी ना मत कहना। हाँ, जो खाना हो जो पीना हो, आज की पार्टी हमारी तरफ से। आज की गुड्डू जी इतना बदल गए, हमसे एक बात तक नहीं की, मुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है। क्यों होगी फिक्र तुम्हारी? हाँ, तुमने अपने हाथों से ही उसे किसी और को दे दिया, तो भला अब उसे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी? देखो बेटा, जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन अपनी कीमती चीज देकर पैसा पा लेना किसी काम का नहीं है बेटा। तूने खुद अपने पति को बेचकर इन खोखली खुशियों को चुना है, अब तुझे जिंदगी भर इन्हीं खोखली खुशियों के साथ रहना है। बहू शर्मीली, संभाल बेटा अपने को, संभाल। दीदी
माती, क्या आपको कुछ अनिष्ट होने का आभास हो रहा है? हाँ, किसी नकारात्मक शक्ति की अनुभूति हमें भी हो रही है। अब आरती शुरू कर सकती हैं। नहीं बहन, आप इतना अच्छा गाती हैं, आरती तो आप ही शुरू करेंगी। अच्छा ठीक है, कृपया करके सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। माते, हमें इस नकारात्मक शक्ति का पता लगाना आवश्यक है। कहीं हमारी भक्त के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। रुकिए, इस कुलक्षणी से आरती मत करवाइए। ये देखिए इसकी हरकतें। माते, हमें लगता है इसमें अवश्य देवी पौलमी ने हस्तक्षेप किया है। वही ईर्ष्या, क्रोध और असत्य का प्रचार प्रसार करती है। लड़की तो बड़ी चलन निकली, देखने में तो एकदम सीधी लगती है, पर आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। देखिए, आप मेरी संतोषी दीदी के बारे में ऐसे मत बोलिए, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ ठीक है, लेकिन ये अखबार तो झूठ नहीं बोल सकता ना। देखो क्या लिखा है, देखो आप सब, लो देखिए। अरे ये तो कोई धंधे वाली है, बाहर निकालो इसे। हाँ हाँ हाँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। देखिए ये बहुत पुरानी बात है और ये सारी बातें झूठी हैं। आप लोग को कोई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें सब पता है तूने क्या किया है और क्या नहीं। अब चल निकल यहाँ से। लेकिन छोड़, चल निकल, चल छोड़िए हमारी दीदी को। कंचन जी, हमारी बात तो सुनिए। चल निकल यहाँ से ड्रामेबाज, पता नहीं आजकल की लड़कियाँ ये क्या क्या करती रहती है। देखिए आप जो कह रही हैं वो सब वैसा कुछ भी नहीं है। कैसे यकीन दिलाएं कि कोर्ट में ही साबित हो गया था कि हम बेकसूर हैं। जो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं अपनी सफाई देने की। आप मेरी दीदी से ऐसे बात नहीं कर सकती है, आपको कोई हक नहीं है। तू दूर रह, वरना तुझे भी इस धंधे वाले के साथ बाहर निकाल देंगे। अरे ऐसे लोगों के कारण ही बहन हमारा समाज खराब हो रहा है, इसे तो बहन पत्थर मार मार के निकालना चाहिए। सही कह रही है। मारो इसे, चलो निकले यहाँ से। अरे तुम कौन हो जो इस बेस्या को बचा रहे हो? बकवास मत कीजिए, मैं इसका पति हूँ। पति? अरे ऐसी औरतों से शादी कौन करता है? लगता है ये भी इसके साथ मिला है। मारो इसे। माती कुछ कीजिए, संतोषी बड़े कष्ट में है।